दोस्तों, अगर आप एक स्पेलर लेना चाह रहे हो या फिर लेने जा रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्पेलर की वो सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आज तक हमने कभी भी नहीं बताया है अपने चैनल पे। जी हां दोस्तों, और काफ़ी लोग इस चीज़ में मूर्ख बन जाते हैं और स्पेलर को खरीद लेते हैं, क्योंकि कई लोग को लगता है कि यार अगर हम बड़े वाले स्पेलर को खरीदेंगे तो बड़ा काम करेगा, छोटे वाले को खरीदेंगे तो अपना छोटा काम करेगा। इस हिसाब से अपना स्पेलर जो है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना स्पेलर जो है वो खरीद लेते हैं और बाद में उसे पछताना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ताकि आपको स्पेलर का सारा रहस्य पता चल सके और आप अच्छे अपने हिसाब से स्पेलर को खरीद सको। तो चलिए, वीडियो को देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को स्पेलर की साइज में बात करते हैं। अपना जो पत्ती वाला स्पेलर चल रहा है आज मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और सबसे ज़्यादा चलन में अब यही चल रहा है, क्योंकि इससे पहले वॉल्ट वाले स्पेलर चल रहे थे, फिर टीनी टेक आया जो कि वो काफ़ी महंगा है तो उसे ज़्यादा लोग नहीं परचेज करते हैं, और अपना पत्ती वाला जो स्पेलर है वो सस्ता चल रहा है। इसके हिसाब से काफ़ी लोग इसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं और इसी चीज़ को खरीद रहे हैं और चला रहे हैं। तो मैं आप लोगों को पत्ती वाले स्पेलर की मैं जानकारी देना चाहूँगा, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे साहू, सरदार, सोना या फिर कई तरह के आज़ाद कोई भी कंपनियाँ बना रही है, लेकिन कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा चाहे कोई भी कंपनी हो, ये सारे कंपनियाँ जो है आदमी के माइंड के साथ खेल रही है। जी हाँ दोस्तों, माइंड के साथ खेल रही है, क्योंकि इससे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कई लोग जो नए नए अपने एक्सपेलर को खरीदना चाहते हैं, उसे लगता है कि हम 32 पत्ती या फिर 30 पत्ती ऑयल एक्सपेलर को खरीदेंगे तो अपना प्रोडक्शन अधिक देगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कई लोगों को मन में आता है कि नहीं यार 30 पत्ती ले लेते हैं, तो नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग कहते हैं नहीं तुम 32 पत्ती ले लो, ये अधिक काम करेगा, थोड़ा इससे अधिक प्रोडक्शन देगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे तो हमें भी मूर्ख समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपना पत्ती ऑयल एक्सपेलर को चलाया है तो मुझे मालूम है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पत्ती मैटर नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, पत्ती बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप कितना पत्ती ले रहे हो और इसका प्रोडक्शन अधिक देगा या नहीं देगा, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पत्ती जो है, अभी ज़्यादातर देख रहे होंगे अगर 32 पत्ती वाले एक्सपेलर को खरीदता है तो 32-7 लिखा हुआ आ रहा है, अगर कोई 30 पत्ती खरीदता है तो 30-32-7 लिखा हुआ आ रहा है या फिर 6 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये क्यों लिखा जाता है, 6 या फिर 7 जो बगल में लिखा जाता है वो क्यों लिखा जाता है, यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों, क्योंकि इस चीज़ को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहोगे तो कम पैसे में भी अच्छे खासे काम निकाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पत्ती बिल्कुल मैटर नहीं करता है, चाहे उसमें 35 या फिर 40 पत्ती क्यों ना लगा दिया जाए, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि हर कंपनियाँ इसी तरह से सबको मूर्ख बना रहे हैं और इसी चीज़ को नहीं समझ पाता है जनता, क्योंकि सिंपल सा सटीक समझता है कि वो हम जितना पत्ती लेंगे उतना प्रोडक्शन अधिक निकलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से कंपनी लोग अपना जो धंधा है वो बढ़ा रही है और अपना जो पत्ती वाली एक्सप्लेन करके जनता को मूर्ख बना रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक्सपेलर खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका चेम्बर साइज मैटर करता है। जी हाँ दोस्तों, उसका चेम्बर साइज क्या रखा गया है, कितना चौड़ा रखा गया है, कितना इंच है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। चाहे उसमें 20 पत्ती ही क्यों ना ठूसा गया हो या फिर 30 पत्ती ही क्यों ना ठूसा गया हो, ये चीज़ मैटर नहीं करता है कि वो पत्ती है तो इतना पत्ती लगा हुआ है तो इतना प्रोडक्शन मिलेगा हमें, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। उसका चेम्बर साइज मैटर करता है कि उसका चेम्बर साइज कितना चौड़ा रखा गया है, इसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक्सपेलर को खरीदने जा रहे हो तो अपना, अगर कम दामों में अपना अच्छा एक्सपेलर खरीदना चाहते हो तो सबसे बढ़िया जो एक्सपेलर है वो अपना 24 पत्ती वाला एक्सपेलर है। जी हाँ दोस्तों, 24-7, 24-6 भी आ रहा है, अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो 24-6 भी निकाल सकते हो, लेकिन 24-7 भी ले सकते हो। देखा जाए तो 32 वाले एक्सपेलर जो है अपना 24 पत्ती एक्सपेलर में 24-7 बनाया जा रहा है, 24-6 बनाया जा रहा है, लेकिन 32 वाले जो अपना 32 पत्ती वाले एक्सपेलर है उसमें भी 32-7 बनाया जा रहा है। तो 32-7 बनाया जा रहा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 32-7 आप देख सकते हो कि इसमें भी 7 इंची ही अपना चेम्बर साइज रखा गया है और 24 इंची में भी 7 इंची चेम्बर साइज रखा गया है। तो देखा जाए तो प्रोडक्शन आपको कितना अधिक मिलेगा, जो आप मान लो कोई व्यक्ति इस चीज़ से लेते हैं कि मतलब 32 पत्ती लेंगे तो अधिक निकलेगा, तो क्या अधिक निकलेगा, 6-7 इंची उसमें भी रखा गया है और 7 इंची इसमें भी रखा गया है। केवल पत्ती जो है अपना पत्ती पतला पतला थोड़ा करके 32 पत्ती घुमा के बैठा देती है और अपना जनता से
जो है मूर्ख की तरह बेच देते हैं एकदम दाम चार्ज लगा के। बोला अपना 32 पत्ती का ऑयल एक्सपेलर है तो 32 पैसा जैसा चार्ज लगेगा, अपना 30 पत्ती का ऑयल एक्सपेलर है तो 30 पत्ती जैसा चार्ज लगेगा। तो मैं आप लोगों को इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि आप इस चीज़ पे मैटर पे कभी नहीं जाइए कि हमें 32 पत्ती लेना है या फिर 64 पत्ती लेना है, क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि चेम्बर साइज मैटर करता है। उसमें चेम्बर साइज देखिए कि कितना लिखा हुआ है, 32:7 है या फिर 24:7 है, तो 24:7 को ही परचेज कीजिए क्योंकि आपका कम दाम में भी अच्छा काम निकाल देगा। जितना काम अपना 32 पत्ती करेगा उतना इतना ये भी कर देगा, क्योंकि चेम्बर साइज एक ही है तो चेम्बर साइज जितना खिंचा उसमें करेगा उतना इसमें भी करेगा, पर डिफरेंट आपको थोड़ा बहुत अलग देखने को मिल सकता है लुक में। जी हाँ दोस्तों, लुक में थोड़ा एक हल्का सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि 32 पत्ती थोड़ा हैवी लोखन में बनाती है, पर 24 पत्ती भी हैवी लोखन में है, लेकिन थोड़ा उसका मॉडल जो है थोड़ा चेंज कर दिया गया है, तो थोड़ा मतलब नॉर्मल और कमज़ोर देखने को मिल सकता है, पर कमज़ोर नहीं रहता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखा जाए तो लोखन भी मजबूत ही आता है, मजबूत ही सारा में मजबूत ही बनाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक्सपेलर को ख़रीदने जा रहे हो तो अपना 24 पत्ती ऑयल एक्सपेलर को खरीदो 24:7, और वही आपके पास अगर बजट लगता है कि बजट हो पा रहा है तो 32 को भी खरीद सकते हो, लेकिन 32 को खरीदने से फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को खरीदते हो कि अपना 32 पत्ती ऑयल एक्सपेलर अधिक प्रोडक्शन देगा तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, आपका 5 kg तक अलग डिफरेंट देखने को मिल सकता है, इससे अधिक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप अपने कम दामों में अपना जो 24 पत्ती ऑयल एक्सपेलर है उसे खरीदिए, काफ़ी अच्छा है, वो 45,000 में आता है, आप खरीद सकते हो। वही आप 32 पत्ती ऑयल एक्सपेलर को खरीदते हो तो इसका 65,000 से 70,000 आपको पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि अगर आपको और अधिक निकालना है प्रोडक्शन, मान लो आपको 24 पत्ती ऑयल एक्सपेलर 40 kg घंटे में निकाल के देगी और आपको लगता है कि नहीं यार हमें तो और अधिक चाहिए, तो और अधिक के लिए आपको एक तो और एक्सपेलर खरीद लीजिए 24 पत्ती, अच्छा खासा काम करेगा, दो दो एक्सपेलर चलेगा। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक्सपेलर को खरीदने जा रहे हो तो अपना 24:7 को खरीदो अगर आप घंटे में 40 kg निकालना चाहते हो तो, और अगर आप थोड़ा अधिक चाहते हो कि घंटे में 50 kg 55 kg तक निकाल के दे तो अपना 32 पत्ती ऑयल एक्सपेलर जो आ रही है उसमें 32:8 आ रही है, 32:8 इंची उसकी जो चौड़ाई होती है वो आ रही है, तो उसे खरीदें आप। इस चीज़ को ध्यान में रख के खरीदें, क्योंकि अपना पत्ती मैटर नहीं करता है, उसमें जो बगल में देखिएगा वो लिख दिया जाएगा 32×8 32×7, तो वो मैटर करता है कि ये कितना इंची का उसका चेम्बर साइज है, तो वही चेम्बर साइज को देख कर आपको ख़रीदना है। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल पर बने रहें, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।